फ्लाइट में एक महिला की जान पर जब बनाती है तो यही दो रियल हीरोज अचानक से वहां पर उनकी जान को बचाकर और उन्हें एक जीवन दान कहते हैं कि उन्होंने दे दिया उस वक्त क्या। तो मैंने डॉक्टर प्रदीप को बोला कि एकदम से तुरंत चलना है अपने को, और हमने दोनों अपने सीट बेल्ट हटाए और हम लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए पीछे की तरफ चले गए। इंडिगो से कंटिन्यूसली हम लोग टच में थे, तो उन्होंने बताया कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज भी हो गया हॉस्पिटल से और वो अच्छा है अभी। इंडियन के अगर इंडिया की पृष्ठभूमि में अगर आप जाके देखेंगे तो आपका मेडिटेशन अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं, आप सुबह उठकर या कभी भी समय मिले अगर सुबह उठते तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर्स भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है, तो जिस तरह से हम डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के तो उनको डर लगने लग गया है कि उनकी फैमिली मेंबर्स के बारे में और उनके, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन सी शख्सियत मौजूद है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपने पहले कई बार फिल्में देखी होंगी और उन फिल्मों में आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर किसी की जान खतरे में है तो हीरो अचानक से आते हैं और जिनकी जान खतरे में होती है उन्हें बचा कर वहां से उस मुसीबत से निकाल कर ले जाते हैं। ये तो हुई फिल्मों की बात, असल जिंदगी में ऐसा होता है या नहीं? एक वाकया हमारे सामने आया है, बहुत चर्चित वाकया हो गया है, और यहाँ पर रियल हीरोज जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठे हैं इनके बारे में परिचय मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि एक फ्लाइट में एक महिला की जान पर जब बनाती है तो यही दो रियल हीरोज अचानक से वहां पर उनकी जान को बचाकर और उन्हें एक जीवन दान कहते हैं कि उन्होंने दे दिया उस वक्त क्या था पूरा वाकया, कैसे क्या कुछ हुआ था इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको परिचय दे देती हूँ, दोनों मेरे साथ चिकित्सक हैं इस वक्त स्टूडियो में, आप डॉक्टर प्रकाश जैन हैं और गायनोकोलॉजी से आप आते हैं, साथ में है डॉक्टर प्रदीप बंदवाल मेरे साथ, ये भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कैसे ये पूरा वाकया हुआ, फ्लाइट में क्या हुआ जानेंगे। सर, आप सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग जयपुर में एक प्रयास संस्था है जी, और राजस्थान सरकार के सहयोग से एक प्रोग्राम था कि राजस्थान में जो अनवांटेड जो स्टेक्टोमीज हैं, जो गर्भाशय रिमूवल होता है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इस पर एक गंभीर चर्चा थी। तो हम लोग, मैं और मेरे मित्र डॉक्टर प्रदीप बंदवाल, हम लोग फ्लाइट से जा रहे थे तो रास्ते में तकरीबन 20-25 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पीछे से हमारी सीट के पीछे वाले जगह से कुछ हमें हलचल सी लगी, तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक महिला सीट पर बिल्कुल अचेत सी पड़ी हुई थी। तो बिल्कुल ऐसा लगा, आंखें भी जैसे फिरा रखी हूँ ऐसा, तो वो हमें, तो मेडिकल के लोग हैं तो हमें एकदम से ये महसूस हो गया कि ये इमरजेंसी है और शायद हार्ट अटैक जैसी अवस्था हो गई है। तो मैंने डॉक्टर प्रदीप को बोला कि एकदम से तुरंत चलना है अपने को, और हमने दोनों अपने सीट बेल्ट हटाए और हम लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए पीछे की तरफ चले गए। आपसे भी सर जानना चाहूंगी कैसे पूरा प्रोसेस रहा, क्योंकि एकदम हम किसी और जोन में हैं और अचानक से जब इमरजेंसी, क्योंकि आपको तो आदत भी रही है, तो वो कैसे आपने उस वक्त कैसे रेस्पॉन्ड किया? जैसे हम लोग उनके पास पहुंचे तो हमने सर ने सबसे पहले उनकी पल्स देखी, तो वो पल्सलेस थी और वो एकदम गैस्पिंग जैसे कर रही थी। तो सर ने जैसे ही मुझे कहा कि प्रदीप स्टार्ट CPR स्टार्ट करो, तो मैंने CPR स्टार्ट किया। चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में अराउंड 30-40 बार चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में उनकी पल्स वापस रिवाइव हुई। पल्स रिवाइव हुई तो हमें थोड़ा सुकून हुआ कि चलो पल्स रिवाइव हुई। पेशेंट जो थी थोड़ी सी जो है वो सेमी अनकॉन्शियस जैसी थी। उसके बाद में हमने जैसे ही वापस उनको थोड़ा देखा तो थोड़ी देर बाद वापस पल्सलेस हो गई। वो पल्सलेस हुई तो वापस हमने वापस उसको चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट किया, तभी जो एयर होस्टेस को हमने ऑक्सीजन के लिए बोला, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आई और हमने ऑक्सीजन स्टार्ट किया उनको, और कंटिन्यूस फिर चेस्ट कंप्रेशन देते रहे हम लोग। बीच बीच में वापस हार्ट जो है वो बंद होता जा रहा था, वापस चेस्ट कंप्रेशन दे रहे थे तो वापस हार्ट रिवाइव हो रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा जो है वो जयपुर तक हम उसको कंटिन्यू CPR देते हुए हम उनको जयपुर तक पहुँचाया। हम लोग लगातार चलता रहा। यस यस
चाहिए। आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूंगी कि ये आपका पहला ऐसा चांस था या फिर इस तरह की एकदम इमरजेंसी कहीं रास्ते में, क्योंकि हॉस्पिटल में या इस तरह के आपको कॉल आना ये बहुत आपके पेशे से जुड़ी बात हो जाती है, लेकिन रास्ते में अचानक से कोई ऐसी चीजें हो जाना या एकदम जहां पे आपने ऑल ऑफ सडन आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की हो और वहां पे ऐसी चीजें हो जाना, कभी हुआ है ऐसा? एक्चुअली क्या है कि मैं क्रिकेट नियमित रूप से खेलता हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं खेल रहा हूँ, तो कभी कभी जो क्रिकेटर्स होते हैं, मेरा एक बहुत ही प्रिय क्रिकेटर है चेतन चौधरी जो अभी एडवोकेट है, तो बहुत छोटा था तो विकेट कीपिंग कर रहा था पीछे, तो मैं ही बॉलिंग कर रहा था, लेग साइड के बाहर से बॉल डाला तो बैट्समैन बीच में था, दिखा नहीं, और गेंद उसकी गर्दन पे जाकर यहाँ पर हिट हुआ। तो यहाँ पे वेगस नर्व होती है, तो कई बार वेजोवेगल शॉक हो जाता है, उससे भी हार्ट का कंप्रेशन, हार्ट जो है धड़कना एकदम से बंद हो जाता है, तो उसके यहाँ जैसे गेंद लगी और वो वहीं ग्राउंड में अचेत होकर गिर गया था। तो मैं उस समय मुझे पता था कुछ हुआ, मैं भागा पीछे से और उसका थोड़ा लेग रेस किया और थोड़ा उसको रिवाइव किया, तो उस समय इस तरीके की घटनाएँ कुछ बार ग्राउंड में भी हुई हैं, और कभी यदा कदा इतना सीरियस तो नहीं जितना फ्लाइट में हुआ, पर ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स मेरे साथ पहले हुए हैं, और चूंकि हम लोगों को इन चीज़ों का बहुत अभ्यास है और हम अभ्यस्त हैं कि वार्ड में या इमरजेंसी में और इस तरीके की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं और हम लोगों को अलार्मिंग साइन दिख जाते हैं कि यहाँ परिस्थिति खराब हो रही है, और उस समय तो मतलब एक्चुअली हमारे लिए एकदम नया नहीं है ये, मतलब A doctor is never off duty. और ये लगता है कि इमरजेंसी आइडिया लग जाता है कि कुछ घटित हो गया है जिसमें आपको इंटरवेन करने की जरूरत है। आपके साथ हुआ है सर कुछ ऐसा कभी कोई अनुभव है? नहीं मैडम, ये मेरे साथ तो पहला ही अनुभव था कि ऑफ द हॉस्पिटल जो है पहली बार इस तरह का इंसिडेंस हुआ और हमने इस तरह से उसको सर्वाइव किया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ हुई, सारा ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में वहाँ पे फ्लाइट में और भी मौजूद लोगों का या क्रू मेंबर्स का या क्या पूरा उनका था, मतलब आपकी तरफ क्या उनका रवैया था? क्रू मेंबर्स जो थे वो काफ़ी पैनिक थे कि उनको लग रहा था कि ये मेडिकल इमरजेंसी है तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, तो हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया तो थोड़े से वो उनको बेटर फील हुआ, रिलैक्स हुए वो लोग, फिर हमने हमारा काम स्टार्ट किया, जैसे ही पेशेंट वापस थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगा तो उनको लगा कि नहीं अब पेशेंट जो है वो बच जाएगा, और उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पूरी की जो भी हमने उनसे डिमांड की, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया उस समय क्रू मेंबर्स ने भी। बाद में उनका फीडबैक लिया आपने, वो ठीक है? हाँ या हमने जो है इंडिगो से कंटिन्यूसली हम लोग टच में थे, तो उन्होंने बताया कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज भी हो गया हॉस्पिटल से और अच्छा है, अभी पेशेंट कोई तकलीफ नहीं है उसको। डॉक्टर साहब, ये एक समस्या मुझे ऐसा देखने में आ रहा है कि अभी भले जिमिंग हो चाहे गेम हो चाहे जो रनिंग के लिए भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हार्ट अटैक्स और इस तरह की चीज़ें अभी बहुत यंग एज में लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखने में आ रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप राय देंगे कि क्या अपनी ये एक मतलब इनका जो रूटीन को लेकर के कोई डेली रूटीन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या क्या उनको ऐसा करना चाहिए जिससे इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके? ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, ये अभी समस्या बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही है जी। और आफ्टर कोविड थोड़ा सा इस समस्या ज़्यादा लोगों में लग रही है कि हो सकता है कि कोविड की वजह से ही कोई ब्लड के कोगुलेशन प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आए हों। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं यहाँ पर सभी स्पोर्ट्समैन एज वेल एज जो आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग या तो लगातार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ही विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रखें, और अगर कहीं एक्सरसाइज आपका बीच में ब्रेक हो गया है, महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर या उससे लंबे समय से अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो बॉडी को एकदम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालें, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएँ। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से आपने रनिंग छोड़ दिया है तो आप डे 1 पे शुरू करें कि 1 किलोमीटर दौड़ें, और 1 किलोमीटर ही आप 7-10 दिन तक दौड़ें, फिर उसके बाद आप अगले 7-10 दिन बाद अपना टारगेट 2 किलोमीटर करें, ऐसे 7-10 दिन बाद 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी करना है आप धीरे धीरे करें, आपके एकदम बढ़ाने की वजह से इस तरीके की समस्याएँ देखने में आ रही हैं। सर, आपसे ये सवाल पूछूंगी क्योंकि गायनोकोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं, तो इस अगर देखें, हमेशा से ही अगर देखें, अब तो फिर भी थोड़ा महिलाएं जागरूक होने लग गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के उतनी जागरूक नहीं हो पाती जितनी वो अदर फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख लेती हैं और बाकी सबके लिए होती हैं। इसमें आप कितना अभी फ़र्क पाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी ज़्यादा सामने आ रही महिलाओं को लेकर के?
देखिए अभी महिलाएं काफ़ी जागरूक तो हुई हैं, काफ़ी महिलाएं जो है अभी वो योगा और इस तरह की चीज़ें जो है वो करने लगी हैं महिलाएं। फिर भी जो है महिलाएं अपने घर के कार्यों में इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपने अपने लिए और अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं दे पाती हैं। तो आज हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि अपने लिए भी कुछ समय निकालें, अपने शरीर के लिए समय निकालें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो हेल्दी खाएं, अपने वो खुद हेल्दी रहेंगी तो अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख पाएंगी वो। तो अपने लिए समय निकालें, योगा करें यदि उन्हें समय मिलता है तो, थोड़ा सा वो वॉकिंग करें और धीरे धीरे जैसे सर ने कहा कि ग्रेजुअली स्टार्ट करें। कोई भी कार्य जो एकदम से स्टार्ट करेंगे तो हार्ट पे एकदम से लोड आ सकता है और इस वजह से जो है वो इस तरह के कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। तो कोई भी एक्सरसाइज करें वो ग्रेजुअली स्टार्ट करें, चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो, एनी टाइप ऑफ कोई भी एक्सरसाइज हो। यस सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं को लेकर के इन दिनों आपकी नज़र में ज़्यादा आ रही है, किन किन बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं महिलाएं, अगर प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर भी अगर मैं आपसे पूछूं तो? प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई जनरल ट्रेंड में कोई फर्क नहीं महसूस किया मैंने, परंतु मैंने ये देखा है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद के इस समय में महिलाएं ही नहीं पुरुषों में भी ये देख रहा हूँ कि उनमें अप्रेंशन यानी कि जो डर है, डर की भावना बहुत ज़्यादा हुई है, वो डरे हुए हैं और स्पेशली जो डर है वो लोगों में मौत का डर बहुत है। पता नहीं ये कोविड के बाद लोग काफ़ी लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो थोड़ा कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कुछ लोगों में डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही हो फिजिकली जो डिजीज़ की बात करें तो ऐसा नहीं है, पर मेंटल प्रॉब्लम्स लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी इसको फील कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं में हम उनकी मदद कर पाएं, उनको इससे निजात मिले। कैसे ओवरकम करें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं? इसके दो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो सारा जो इंडियन के अगर इंडिया की पृष्ठभूमि में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं, आप सुबह उठकर या कभी भी समय मिले, अगर सुबह उठते तो ज़्यादा अच्छा है, आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, इससे आपके ब्रेन के अंदर जो है हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन होते हैं। मेनली कहीं ना कहीं हाँ, ये जो हार्मोन है दीज आर हैप्पी हार्मोन्स, तो ये आपको अंदर से खुश रखेंगे। साथ ही साथ क्या होता है कि एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो आपको डिप्रेशन या ऐसी नेगेटिव फीलिंग वाला हार्मोन होता है वो कम बनता है। तो अगर आप ये अच्छा संगीत सुनते हैं, नृत्य करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको थोड़ा पसीना हो जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और ये हर प्रकार के डिप्रेशन या मेंटल डिजीज को क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका विदाउट मेडिसिन। सर, आजकल देखने में आती है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं, कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, कहीं पर कुछ भी मिस हैपनिंग होता है या कहीं पे अगर किसी फैमिली मेंबर का कहीं भी किसी पेशेंट का लॉस हो जाता है तो फैमिली तुरंत से डॉक्टर के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है और लापरवाही का एक आरोप जो है वो फिक्स्ड होता नज़र आता है। क्या कहेंगे, कितना इस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं? देखिए ये एक समस्या पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये समस्या हो गई है कि डॉक्टरों पे जो है बहुत जल्दी जो है वो जो आरोप लगा देते हैं कि डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन ऐसा कहीं पे भी कोई डॉक्टर नहीं है जो किसी भी मरीज का जो है ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह से अपने मन से और अपने जितने रिसोर्सेज हैं उनके साथ में नहीं करें। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी जो भी जनता है उनसे कि आप डॉक्टर पे विश्वास बनाए रखें, जिस भी डॉक्टर या हॉस्पिटल में आप इलाज ले रहे हैं उन पे पूरा विश्वास रखें, और लेकिन साथ के साथ अपनी पूरी जानकारी भी लें डॉक्टर से कि वो क्या इलाज कर रहे हैं, उसका क्या बजट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वो या तो बजट की उनको पता नहीं होता है कि वो क्या आगे किस तरह का बजट रहेगा, वो किस तरह का इलाज चल रहा है, उनको डे टू डे बेसिस पे जो जानकारी के अभाव में ये सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ पे जो पेशेंट के साथ में होते हैं वो डे टू डे बेसिस पे डॉक्टर से और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और डे टू डे बेसिस पे पेशेंट के बारे में भी जानकारी लें और जो उनकी जो खर्च आ रहा है उसके बारे में भी पूरा जो है वहाँ से जानकारी लें, ताकि बाद में जाके किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो। और जो आजकल हम जो देख रहे हैं सोसाइटीज में तो वो काफ़ी कम हो सकता है इस तरह से। कई बार ये भी देखा है, जैसे क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स की हमने बात कर ली, डॉक्टर्स में भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स कम हुआ है ऐसा लगता है सर? नहीं, डॉक्टर्स का पेशेंट्स डॉक्टर्स भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। तो जिस तरह से हम डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के और प्रति जो जिस तरह से जो आजकल बढ़ गया है कि जो उनको तो उनको डर लगने लग गया है कि उनकी फैमिली मेंबर्स के बारे में और उनके खुद के बारे में कि हम सोसाइटी में उनको भी रहना है,
तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि वो रिस्क लेने लग गए और पेशेंट का कुछ यदि जिस तरह के हमें रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट नहीं मिले जी। तो उसके बाद में जो उनके रिलेटिव्स का जिस तरह का बिहेवियर रहता है, तो वो इस तरह से जो पेशेंट्स, तो बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट हायर सेंटर पर रेफर कर दिए जाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो गाँवों में या छोटे हॉस्पिटल्स में जो है वो बहुत जल्दी रेफर होकर टर्शरी लेवल पे आ जाते हैं, और उनको उस दरमियाने जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, पेशेंट जो है वो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। जनता का ही नुकसान है इसमें। बिल्कुल जनता का ही नुकसान है। तो जनता को समझना चाहिए कि जिन लोगों को हम आरोप लगा रहे हैं या जिन पे हम इस तरह का कर रहे हैं, उनसे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो जनता का ही पूरा नुकसान है। आप क्या कहेंगे सर, आपका भी व्यू जानना चाहेंगे इस पर? मैं मैडम ये कहना चाहूँगा कि ये मेडिकल साइंस है, और मैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही गंभीरता से ये इस विषय पर कहना चाह रहा हूँ कि ये मेडिकल साइंस है, और मुझे 30 साल इसमें हो गए। मेडिकल साइंस में कभी भी दो और दो चार नहीं होते हैं। जैसे आप किसी स्कूटर को लेकर मैकेनिक के पास गए और आपने उसको इंजन खुलवाया और वापस बंद कर दिया, बहुत इजी है, एज इट खोल देगा, बंद कर देगा, बड़ा आसान होता है। या आप जिंदा इंसान होता है, अगर उसका इंजन जो है हार्ट है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ मेडिकल साइंस में दो और दो चार नहीं होते हैं, कई बार दो और दो 16 भी हो जाते हैं, और कई बार दो और दो 0 हो जाता है। तो यहाँ जो जनता को समझना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है ये इस तरीके की बनी हुई है, और सारी ह्यूमन बॉडीज़, सारी की सारी, सभी ह्यूमन बॉडीज़ बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे शरीर बिल्कुल जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ वैसा रिएक्ट करें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने भी अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि ये कोई मरीज है, जैसे आपके घर में ये चार लोगों को एक साथ बुखार आया, अगर किसी एक को एक टेबलेट दिया तो उसका उतर जाता है, वही साइमल्टेनियसली आपके परिवार में तीन लोगों को सेम मेडिसिन दी जा रही है, डिजीज भी सेम है, डायग्नोसिस भी सेम है, पर आप देखेंगे उनको चार दिन तक बुखार नहीं जाता है। तो आप समझिए कि हर बॉडी का रेस्पॉन्स हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है। सेम लाइक कोई भी ऑपरेशन है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तब भी उनके शरीर के अंदर देखने के बाद पता लगता है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो बहुत ही गंभीर है। वैसा नहीं है कि जैसा आपकी इन्वेस्टिगेशंस में आया वैसा एज इट इज पिक्चर वहाँ हो। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, मैं निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर अपनी क्षमता से 100% से नीचे कोई ट्रीटमेंट करता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, कभी कभी हो ही नहीं सकता। तो जनता को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना विश्वास उनमें बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास किसी विशेष चिकित्सक के साथ नहीं है तो आप चिकित्सक बदल लें, समय पर बदलें, और जिसमें आपका विश्वास है वहाँ कराएं। पर इस तरीके की अगर उन पर हमला करना या उनको डिफेम करना, ये सोसाइटी के लिए उचित नहीं है। और समय आने पर जैसा कि मेरे मित्र प्रदीप ने कहा है कि डॉक्टर्स अब सेफ साइड में जाने लगे हैं, वो रिस्क लेने से ही बचने लगे, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल या 10 साल बाद किसी हॉस्पिटल में आप अपने मरीज को ले गए, परिजन को ले गए, और हॉस्पिटल उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं भैया हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, और हो सकता है कि आप अपने मरीज को अस्पताल के बाहर ही खो दें, इलाज नहीं, डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं देने की वजह से, क्योंकि वो उनको भी उनकी एक जिंदगी है, उसके पीछे उनका परिवार भी है, उनको उनका भी सोचना है, वो हर मरीज पे रिस्क कैसे लेगा। और मैंने आपको बताया यहाँ दो और दो चार होते ही नहीं, कभी 16 भी हो जाते हैं, कभी 0 भी हो जाता है। जब रिजल्ट आपको सर्टन पता ही नहीं है तो कितना रिस्क लेगा और कितनी बार लेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा, चाहे आज समझे, 10 साल बाद समझे या 20 साल बाद समझे, ये जनता को एक दिन समझना होगा। यही सवाल मैंने सर से भी पूछा था कि आपको लगता है डॉक्टर्स का भी कहीं ना कहीं पेशेंस लूज होने लगा है? एक्चुअली डॉक्टर में कहीं पेशेंस लूज नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स इस तरीके से ट्रेंड होते हैं, जो उनका जो 5.5 साल का कोर्स होता है उसमें वो हर तरीके की गंभीर से गंभीर इमरजेंसीज से डील करते हैं, सारे मरीजों की उनको पूर्णतया जानकारी होती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई चिकित्सक इस प्रकार से अपना धैर्य खो रहा है, परंतु मुझे लगता है कि समय के साथ चिकित्सक अवेयर हो गए हैं और उनको अब ये पता पड़ गया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो सारे चिकित्सक समय के साथ लामबद्ध हो रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भी वो जागरूक हो गए हैं, और अब वो किसी मोब का शिकार नहीं होना चाहते हैं,
और आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल या किसी चिकित्सक के ऊपर आप हमला करेंगे तो हो सकता है कि जनता को उसको प्रत्युत्तर भी देखना पड़े। सर वापस से उस पर ऑन अ लाइटर नोट वापस से आ जाते हैं फ्लाइट वाली बात पर, अगर इस तरह की समस्याएं, क्योंकि हर बार कोई चिकित्सक वहां मौजूद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसी फिर से कभी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो एक आम आदमी क्या उस सिचुएशन में कर सकता है, अगर आप ये बता पाएँ तो शायद बहुतों को मदद मिल पाए। देखिए मैडम, CPR जो है वो सभी आम आदमियों को, सभी को, समाज के सभी लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि CPR की ज़रूरत कहीं पे भी पड़ सकती है, जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह चिकित्सक उपलब्ध हो। मैम तो वो परिवार के अपने घर के अंदर भी हो सकता है या कहीं मार्केट में भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है जो बहुत कई बार जो है वो सरकार के द्वारा भी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के द्वारा आयोजित की जाती है, वहाँ पे आप जाके इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। और अदरवाइज इसमें जो है वो सबसे पहले जो है हमें पल्स जो देखना चाहिए कि पल्स, पेशेंट की पल्स आ रही है नहीं आ रही है। पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है तो उसको, पेशेंट को लिटा के और उसका जो एयरवे है उसको सुरक्षित करना चाहिए, और उसके बाद चेस्ट पे जो है वो इस तरह से जो है कंप्रेशन देना चाहिए, जो एक बार 30 times जो है वो इस तरह से कंप्रेशन देना चाहिए, और लगभग 100 per minute के रेट से इस तरह से कंप्रेशन देना चाहिए, और वापस से पल्स जो है वो चेक करना चाहिए कि पल्स आया है या नहीं आया है। यदि पल्स वापस जा रही है तो इसी तरह से कंटिन्यूसली यह CPR का प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रखना चाहिए। यदि वहाँ ऑक्सीजन की सुविधा है तो ऑक्सीजन चालू करवा देना चाहिए, या माउथ टू माउथ जो हम लोग जो हम ब्रीथ देते हैं वो ब्रीथ देना चाहिए पेशेंट को। तो इसी तरह से हम कई मरीजों को जो है वो बचा सकते हैं और टाइमली उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। पेंडेमिक हमने देखा कई सारी, आपकी तो एक रेगुलर ये ऐसी जर्नी है जिसके अंदर कई बार पैनिक होना है, कई बार स्ट्रेस जो है वो इतना हो जाता है कि मतलब आपको अपने आप को काम रखने के लिए कुछ चीज़ें डॉक्टर के काम के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिर स्ट्रेस फ्री रखती हैं? मैडम मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और लगभग 1 घंटा योगा करता हूँ, और फिर साइकिलिंग करने जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, और फिर मुझे यदि टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग का शौक़ है मुझे, तो पेंटिंग भी करता हूँ मैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, और डॉक्टर भी हम आपस में जो है अपना पूरा एनवायरनमेंट आपस में काफ़ी हैप्पी और हेल्दी रखते हैं, ताकि एक दूसरे का स्ट्रेस जो है एक दूसरे का हम लोग कम कर सकें। सर आपसे भी जानना चाहूँ, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है हम जानते हैं, मॉडलिंग भी हम कर लेते हैं, हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं, सर आपके बारे में तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं एक साथ और इतना गंभीर पेशे के साथ ये सारी चीज़ें करना मतलब दूसरे लोगों के लिए काफ़ी कुछ सीखने जैसा है, क्या कहेंगे सर कैसे कर लेते हैं? मैडम बहुत ही सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, और जीवन को भी एकदम सिंपल रखिए आप, और लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। आप अपनी पॉजिटिविटी को कहीं भी डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि जो नेगेटिविटी है या जो गलत काम या गलत थॉट प्रोसेस जो होता है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी कार्य करने की क्षमताओं को कम करता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो नेगेटिव सोर्स हैं, इट मे बी ए पर्सन, इट मे बी ए प्लेस, इट मे बी ए जॉब, वट एवर, आप कोशिश करें कि आप उनसे दूरी बनाए रखें। तो ये आपकी पॉजिटिविटी जब तक रहेगी ना तो आपकी एनर्जी का लेवल कभी डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान, भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो 24 घंटे लगातार काम करे, वो नहीं थकेगा, कभी नहीं थकेगा। वो थकता है जब उसका दिमाग थक जाता है, और दिमाग जब थकता है जब उसकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं बचती है, वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आप अपनी पॉजिटिविटी इंटेक्ट रखिए, कभी भी आप थक ही नहीं सकते, ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है ये। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद आप कैसे उन चीज़ों को आप मेंटेन कर लेते हैं? सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। इसमें आप जिस जगह आप हैं आप वहीं के रहिए और वहीं जिए, उस जीना है उसी जगह जीना है। एक्चुअली क्या करेंगे आप, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल के मेरे मरीजों का क्या हो रहा है या मेरी क्रिकेट का, नहीं, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं पूर्णतः आपके साथ बैठा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना नहीं है। जब मैं ग्राउंड में बैठा हूँ खेल रहा हूँ तो मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, जब मैं क्रिकेट में एम्पायरिंग करता हूँ तो मैं एम्पायरिंग करता हूँ, जब मैं सर्जरी करता हूँ तो मैं एक्सक्लूसिवली सर्जरी करता हूँ, उसके अलावा मेरे अंदर कोई थॉट नहीं आता है। तो ये बड़ा आसान है, जहाँ पर आप हो उसको पूर्णतया ईमानदारी से जियो, जीवन बहुत आसान है। दर्शकों से अगर मैं आपको कुछ एक संदेश देने को कहूं तो वो आपकी तरफ से क्या होगा? मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और आप समाज को और स्वस्थ बने उसके लिए अपना पूर्ण योगदान दें अपना,
और रोज़ सुबह जल्दी उठ के अपना व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और अच्छे से पॉजिटिव, जैसे सर ने कहा कि अपने इन्वायरमेंट को आप पॉजिटिव रखें और नेगेटिव चीज़ों को दूर रखते हुए चलें, तो आप अपने जीवन को अच्छे से आगे तक ले चल सकते हैं। धन्यवाद। और आपकी तरफ से क्या सकता है? मैं भी यही कहूँगा कि जीवन में व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, परंतु आप आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, तो आपका परिवार आपको देखकर खुश रहता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरा मानना है निश्चित रूप से आप खुश भी रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा तो समाज खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, और ये खुशहाली पूरे देश में फैलेगी और ये देश की खुशहाली पूरे विश्व में फैलेगी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात के साथ हम ये इंटरव्यू के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो एक ज़िम्मेदार पेशे से आते हैं, एक ज़िम्मेदारी वाले वर्ग से हैं और बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। बहुत मेहनत से वो डॉक्टर बनते हैं, कई सालों की तपस्या उसके पीछे होती है। मरीज के परिजनों के लिए भी बहुत खूबसूरत सा जो सवाल अक्सर आमजनों का होता है वो मैंने पूछने की कोशिश की है, और डॉक्टर्स का बहुत खूबसूरत जवाब भी आया कि अगर इस तरह से हमले या इस तरह से आपका अविश्वास अगर इनके प्रति हुआ, तो कहीं इनका अपना विश्वास जो है वो मरीज और इनके इलाज में उस पर फर्क ना पड़े, और इसका जो लंबे समय में कहीं ना कहीं परिणाम शायद हमें आपको भुगतने पड़ सकते हैं, तो इस चीज को हमें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर्स को हमेशा से धरती के भगवान की उपाधि हम लोग देते आए हैं, आप लोग देते आए हैं, और उस विश्वास को कहीं ना कहीं फिर से रिटेन करने की, फिर से बनाए रखने की बहुत जरूरत है। बहुत खूबसूरत काम के साथ, एक बहुत अच्छे मोटिव के साथ किसी महिला की दोनों डॉक्टर्स जो हमारे समाज के हमारे सामने रियल हीरोज हैं, उन्होंने जान बचाई है। और इस खूबसूरत काम के लिए ऐसे रियल हीरोज का अपना मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। नमस्कार।